थक करके आते थे शाम तक लोकेशन ढूंढ करके, फिर मैं देखता था, बोलता था यार
दीपक ये तो लोकेशन नहीं है यार, पर अच्छा मैं कल कोशिश करता हूँ और हो जाएगा। और पूरे पूरे दिन मतलब मुझे लगता है कि 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू और मैं फोटो शेयर करता रहता हरीश जी को। वो एक सड़क सॉरी जोगेश्वरी में सॉरी हाँ एक सड़क पे हम शूट कर रहे थे और मैं वो हथकड़ी को लेकर चल रहा था और आई थिंक कोई आंटी ने वो एक बिल्डिंग से हमको पुकारा बुलाया कि ये कौन है वाले इधर। आपने कैसे बुलाया था? हाँ कबाड़ दे दो कैसे बुलाता हूँ। एक्चुअली वो कबाड़ वाले का एक कॉल होता है, आप देखो कि किसी भी कॉलोनी में या किसी भी एरिया में एक कबाड़ी वाला अलग अलग होते हैं। जैसे एक दो ओए ओए ये ये दबो दबो ऐसे ऐसे। और आपकी मम्मी भी आई थी खास सेट्स हाँ, देखने के लिए, रत्ना जी आई थी। नील ऑफ बैग सर, हम आपसे और बातें करेंगे, बट इट्स टाइम फॉर अस लेडीज एंड जेंटलमैन टू मीट आवर रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। मे बी प्लीज पुट अ हैंड्स टुगेदर। क्या कहूं, इतनी सारी फिल्म्स की हैं, शी आल्सो वर्क विद नन अदर देन वेल ऐश्वर्या बच्चन, सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, ज़ोया, यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एज एवर। ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू हियर। वी आल्सो इनवाइट we locked him in student of the year too. Let's give it up for Abhishek Bajaj. And this is by Atul Shivastava as well, jo ek known actor hai from the very very amazing film Vanna Bhai and yes, Bajaj by John. ये थ्रिलर फिल्म है तो इसमें ऐसा ही होता है, माइक आता है जाता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थ्रिलर फिल्म है। और एक्ट्रेस हैं और वॉइस एक्टर हैं और बहुत ही जाने जाते हैं उनके रोल कनक इन रंग बदलती ओढ़नी जो स्टार वन पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी इमरान हासनी जी को मंच पर, जिनका जितना प्रोफाइल भी करें तो उतना कम है। जी हाँ, इनकी जानी माने रोल्स इन स्लमडॉग मिलियनेयर और अ माइटी हार्ट और बहुत सारी फिल्म्स हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इमरान जी का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाफ कास्ट है हमारी। So we'll start with Vivan and Dr. Zoya and we'll move ahead. So please, I'm going to request you all ki apne apne experience share kijiye aur apne film ke bare mein agar briefly kaise karna hai, matlab kaise main karu? इसमें ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि हम हथकड़ी वालों को हम हर दिन दिन ब दिन हम देखते रहते हैं सड़क पे, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना और उसको ठीक से ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना वो आई थिंक मेन इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज वो थी कि उसको कैसे उसको स्क्रीन पे दिखाया जाए। और तो एक्टर को हालांकि सिर्फ आई थिंक ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, उसको उसकी जीवन जीनी पड़ती है। जो कबाड़ी वाले की जो जीवन है तो उसको जीनी पड़ती है और वो समझनी पड़ती है। तो आई थिंक कि एक युद्ध जैसा हो गया है, तो वो आई थिंक जो टीम है फिल्म की उसके बारे में, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब उनके अलग अलग डायलेमास हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग मोटिवेशन है वो पैसे। बिल्कुल मेरे लिए डेफिनेटली एक लव स्टोरी है एंड स्पेशली जो लड़कियां हैं डेफिनेटली द वन थिंग दैट दे सर्च फॉर इज लव, दैट कम्स फर्स्ट, मनी डेफिनेटली कम्स सेकंड। सो रोमांटिक भी वही है। पहली बार जब मैं वरदराज स्वा से मिलने गई, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए मिलने गई थी सरिता की रोल के लिए, एंड मुझे बताया गया था कि वो एक चौल की लड़की है। और मैं जब मिलने गई मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक अलग कैरेक्टर होगा मेरी, मुझे प्ले करने का मौका नहीं। बट जब मैं उनसे मिली वापस घर आई, एक दिन बाद आई थी मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि सर चाहते हैं कि आप रोमा का किरदार जो मेन है वो प्ले करें। सो दो मिनट के लिए आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम। एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर एक एक्टर को एक बेहतरीन लेखक के साथ काम करने का मौका मिले, एक बेहतरीन कास्ट बेहतरीन क्रू के साथ काम करने का मौका मिले, आई थिंक एक एक्टर भी चाहिए। सो आई हैड एन अमेजिंग टीम एंड आई हैड एन अमेजिंग जर्नी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट। This role was a challenge to me actually. The role I played in student of the year 2 was a college boy, but in this film ye ladka bada ho gaya, now he's a corporate guy. This is the character. So it was a challenge for me. We did a workshop for this character. Swami ji ke sath hum baithe the ek ek do do hafte. We used to love the character. I loved the film. I hope aap logo ko bhi pasand aayegi. Thank you so much. बहुत बहुत नमस्कार। मैं अतुल श्रीवास्तव और
इस फिल्म को लेके मैं यही कहूँगा कि वरदराज स्वामी और इन्होंने शहजाद ने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं करेक्टर को लेके ये बात करूँगा कि तुरंत मन में आया कि ये तो करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा कठिन लगा ये रोल मेरे लिए, खासकर एक मोची जो जूते बनाता है और जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है किसी भी। प्लस जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था इस रोल में मराठी बोलना, बीच बीच में लंबी लंबी चीज़ें मराठी में बोलना डायलॉग्स, और पूरा एक्सेंट वैसे ही, एक्सेंट तो कॉपी करके थोड़ी बिक्री करके लोग आसानी से ले आते हैं, शायद मैं भी ला सकता था, लेकिन जो आत्मा के साथ लाने वाली चीज़ होती वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, जिसके लिए मैं डायरेक्टर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर की परेशानी समझी। मैं डर भी रहा था लेकिन हाँ पहले ही कर दी थी करते करते, क्योंकि मैं तरीका कुछ ऐसे ही रहा है मेरे साथ हमेशा से, तो उन्होंने ये अभी बोले थे मेरे बारे में तारीफ करना खूब सारी। और मैं कहूँगा इन्होंने तुरंत मेरे कहने से